बुरा लगा मुझे। मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अब क्या कर रही है? प्लान नहीं था। हम यहाँ पर अपना सेटअप लगा रहे हैं। ये पूरा DIY है। पता नहीं वो कुशन था ना, कुशन का कवर था। हाँ, उसको उन्हें डबल साइडेड टेप से चिपकाया और ये जो है व्हाइट वाला, हाँ न्यू है। हम न्यू कपड़े पहन के ही काम करते हैं, कभी भी जन्माष्टमी का जो भी रहता है। साफ कपड़े से भी काम चल जाता है, बट न्यू हम पहनते हैं। ये लिप्पन आर्ट है जो रुचि ने खुद अपने हाथ से बनाया है, DIY किया है। मिरर मोज़ेक है। लिप्पन किसको बोलते हैं? लिप्पन बाहर में, मतलब लिप्पन काइंड ऑफ ही है, मिरर मोज़ेक तो और अलग होता है। ताकत लगा, क्यूट लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। यह कपड़ा हम कल खरीद के लेके आए थे। ये जो ज्वेलरी है ना मुक्कू, हाँ देखिए ऐसे ही अपन को रिसीव हुआ है, तो फिर ये मौली धागा से फिर मैं उनका डोरी बना रही हूँ। तू ब्राइड्स का भी यही करती है। टूटा फूटा ज्वेलरी लेके आते हैं, रुचि मस्त बैठ के बनाती है फिर। उस रुचि का ये बैकड्रॉप गिर गया है, उसको लगा दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम देखी कि कृष्ण भगवान का, अरे यार कृष्ण भगवान का क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मॉस्किटो नेट। वो भी आता है, दैट्स सो क्यूट। कल गए थे हम शॉपिंग करने पावर हाउस, वहां पर कुछ कुछ लोग लड्डू गोपाल को लेके आए थे ताकि फिट अच्छे से बैठे कपड़े का, उनको टाइट ना हो या ढीला मत हो करके। हाय कोयला, अच्छा कोयला आई है। हाँ रख सकती है, पोछ दे उसको, पोछ दे। अब स्नेक, स्नेक के साथ ही आए थे कृष्ण भगवान। ये नाइस। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, हाँ हम गए थे कल कपड़े लेने। इस बॉक्स में पूरा कृष्ण भगवान का ज्वेलरी है ना, कि कपड़ा है पता नहीं, कपड़ा है या ज्वेलरी है, वो उसमें तो ज्वेलरी है ये वाले बॉक्स में। हाँ इसमें तो पूरा पगड़ी है, कृष्ण भगवान का पूरा कलेक्शन है। और इस वाले सूटकेस में, सूटकेस ही बोलूंगी मैं, ये वाले सूटकेस में है कृष्ण भगवान का ज्वेलरी, इसमें पूरे ज्वेलरीज है कृष्ण भगवान के। और इस बैग में जो मैं इससे पहले पिंक वाला सूटकेस दिखाई, उसमें वैनिटी दिखाई, उसमें है पूरा पगड़ी। नाइस। और हमने शालिग्राम दिया था उजाला भवन में लास्ट टाइम, अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो, वो हमें कुछ इस तरीके से रेडी करके दिए थे शालिग्राम को, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बट मुझे ऐसा लगा कि लिप्स थोड़ा ज्यादा ही एग्जैजरेट हो गया है, बहुत ज्यादा ही फैल गया है, बाकी ठीक है, आई लाइक इट। उनका तुलसी माला, कोयला बाद में पकड़ना, ये वाला पगड़ी है ऑप्शन के लिए, कि ये भी न्यू है ना। नहीं वो न्यू नहीं है, वो लास्ट ईयर का, लेकिन हम गंगा जल डाल के उसको पहना सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं पहने, हम जो कल खरीदे हम वही वाला पगड़ी यूज करेंगे। नहीं जो कल खरीदे है वो कृष्ण भगवान को पहनाएंगे, मतलब। अच्छा ये शालिग्राम का है और दिस इज फॉर अवर लड्डू गोपाल। बहुत सुंदर है ये वाला पगड़ी, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था उनके साइज का पगड़ी। विश वृष्टि होती आज है ना। कितना सुंदर माला। आई हैव दिस एंजाइटी, मैं रुचि के सामने भी ब्लॉग नहीं कर पाती। हैट्स ऑफ टू अदर यूट्यूबर्स जो मस्त ब्लॉगिंग कैमरा लेके किसी के भी सामने ब्लॉग कर लेते हैं। मेरी बहन तो बिल्कुल भी, रुचि कर सकती है, किसी के साथ भी ब्लॉग कर सकती है। वो मुझे कई बार एम्बेरस भी करती है अपने हरकतों से। अगर हम कहीं जा रहे हैं सपोज, तो किसी के भी फोन को मांग के मेरी बहन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो बोलती है, और वो लोग के फोन से सब्सक्राइब करवा भी लेती है। और मेरे में इतना इश्यू है इन सब चीजों को लेके, मैं इतनी ज्यादा शाई हूँ कि मैं किसी को नहीं बोल सकती। मेरे इतने सारे टचवुड, इतने क्लाइंट्स मेरे घर मेरे स्टूडियो आए हैं, मैं चाहती तो सबको बोल सकती हूँ कि मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसा कोई भी क्लाइंट नहीं है जो मुझे सब्सक्राइब, मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करे, लेकिन मैं बोल नहीं पाती। और लेकिन आजकल रुचि ने ये ठान लिया है कि वो जो मिलता है उसका फोन लेती है और सब्सक्राइब कर देती है मेरे चैनल को। बिंदी, अभी भगवान को बिंदी लगेगा उनको वाला। ऐसे पैकेट में आता है। हाँ मैं यही लगाती हूँ भगवान को। गाइस दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं कृष्ण भगवान का श्रृंगार देख रही हूँ। द टाइम मैं गायब ही रहती हूँ, घर में कुछ भी काम रहता है मैं अपने रूम में रहती हूँ, किसी से ज्यादा मेरी बातचीत नहीं होती। मैं ज्यादा ही,
और मैं बात करना स्टार्ट करूंगी तो मैं बहुत बात करूंगी, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़ाई होते तक बात होता है फिर मेरा। तो ये ग्लू है, इससे वैक्स बोलते हैं क्या? हाँ, वैक्स ग्लू बोलते हैं इसको। तो इसी से भगवान को स्टिक किया जाता है। आप फेविक्विक ये सब यूज ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। कोयला इले, हाय हाय कोयला, कोयला हाय। इतना मतलब ही होते हैं डॉग्स भी आजकल, बुरा लगा मुझे। ये छोटे वाले लड्डू गोपाल के लिए है। जो इयररिंग है ये उनके में होगा नहीं, बिकॉज उनका फेस बहुत छोटा है, मतलब वो जीरो साइज के हैं। और मेरे जो लड्डू गोपाल है वो 4 या 5 नंबर है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम। तो उनके में ये यूज हो जाएगा क्योंकि ये मैच हो जाएगा। और ये जो माला है और ये जो मुकुट है वो कृष्ण भगवान छोटे वाले लड्डू गोपाल को हो जाएगा। कितना सुंदर लग रहा है बैकड्रॉप, बस वो वाला बहुत बेकार लग रहा है, एंड वाला ये ना। हाँ, ये बड़ा हो गया, मुक्का मार के घुसा दे उसको। हमारे जीरो साइज के लड्डू गोपाल कुछ ज्यादा ही क्यूट है। ये बाके बिहारी है, सॉरी, ये मम्मी के शादी में उनको मिला था। हमारे हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग शादी होती है हमारी, मतलब जब शादी होती है, लड़की की शादी होती है तो उसको दहेज में, दहेज ही बोले ना लड़की को जो देते हैं। आई डोंट नो गाइस, मेरे को टॉन्ग सॉन्ग नहीं पता। हाँ 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 हाँ, कन्यादान के टाइम पे लड्डू गोपाल दिया जाता है पेरेंट्स के तरफ से। तो ये मम्मी को मिला था, बिकॉज ये बाके बिहारी है और हमारे में बहुत पॉजिटिव माना जाता है भगवान। भगवान पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव मतलब देना देना। मैं कभी भी विदाउट मेकअप अगर अपने आप को देखती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आईज हुडेड है। लाइक मैं बात कर रही हूँ ना, जैसे मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ, यू कैन सी मेरे आईज बहुत छोटे हो जाते हैं। और मेरे को लगता है कई बार कि मेकअप के बाद कि वाओ मेरे आईज कितने बड़े, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आई एम सेइंग, इस समाज को कुछ नहीं मालूम, दिस इट्स सो वियर्ड। आई सब्सक्राइब टू हर चैनल, मैं मेंशन कर दूंगी रुचि का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो प्लांट से रिलेटेड कॉन्टेंट शूट करती है और डेली ब्लॉगिंग, मतलब हाँ, लेट्स सी कितने दिन तक वो करती है डेली ब्लॉगिंग। मैं जानता हूँ, अंदर से मैं जानता हूँ कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मगर मैं जानता हूँ कि वो सही है और मैं गलत। एडिटिंग इज वेरी टफ गाइस, वेरी टफ। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है क्योंकि भाई तू हाँ, चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। उठा, मुझे कीड़ा काट दिया था। हाँ, तो अब रुचि और गंदगी मचा रही है वहां पर, क्या कर रही है कोयला? कोयला पीआर बॉक्सेस थे, ये तो मुझे गिफ्ट मिला है रक्षाबंधन में। ये ब्रश मैंने खरीदा है, आई विल रिवील दैट बाद में कि वो कैसे करना है। बाकी ये सारे प्रोडक्ट्स है जो मैंने ऐड किया है। मार्च से मुझे एक पीआर बॉक्स आया था और जैकनीन यूएसए से, सिंपली नाम से, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे तो मैंने अनबॉक्सिंग किया। कृष्ण भगवान रेडी हो चुके हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। कृष्ण भगवान का फेवरेट कलर येलो है। फिर ये कचरा, वो ट्राइपॉड हटा यार, मुझे कोई एतराज नहीं। अब क्लैरिटी आ रहा है। हाँ, तो कृष्ण भगवान का फेवरेट कलर येलो है, तो हाँ व्हाइट भी है, मेरा फेवरेट कलर व्हाइट है। और हाँ, तो क्या हुआ था, हम जब गए थे लेने वहां पर हर रेंज के कपड़े थे, आई मीन 1200 1500 1600, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर आउटफिट रेडी हो रहे हैं। इनके लिए कपड़ा नहीं मिलता, ओवर साइज हो जाता है, तो ज्वेलरी नहीं मिलता, तो कुछ नहीं मिलता, तो कुछ नहीं मिलता, इसलिए जो मिलता है हम लोग वो पहना देते हैं। शिट, भगवान को हम अंदर रूम में, पूजा रूम में ले गए हैं। यहाँ पर सिर्फ हम तैयार करने के लिए लेके आए थे, मुझे आइडिया नहीं था। अभी वो अंदर के रूम में और मैं जल्दी रेडी हो रही हूँ, और मैं रेडी हो रही हूँ। आई हैव चेंज्ड माय आउटफिट। वी एवरी ईयर वी गो टू दिस टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, हरे कृष्ण मोमेंट भी बोलते हैं जिसको।
जो सेक्टर 6 में है, और मैं वहाँ जाऊँगी। उससे पहले हम वेंकी भैया के घर जा रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ भी जन्माष्टमी की पूजा है। तो आई एम जस्ट गोना गेट रेडी जल्दी से क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। दिस माई आउटफिट, ये अनारकली सूट पहना है मैंने, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था तो मैं अभी यही पहन लेती हूँ। फटाफट से मेकअप करते हैं, मेकअप तो नहीं, लाइटली आई विल डू माय थोड़ा बहुत मस्कारा एंड ऑल। मुझे अभी पार्सल रिसीव हुआ है, मैंने कुछ कुछ ऑर्डर किया था पर्पल से, कुछ कुछ तो नहीं। मुझे लिप बाम चाहिए था ब्लू हेवन का, बहुत सारे लोग रिव्यू कर रहे थे प्लीज़ वहाँ से उसका भी लाना, स्विस ब्यूटी का। मैंने स्विस ब्यूटी का भी ऑर्डर कर दिया। ब्लू हेवन की ये जो स्किन केयर रेंज के सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट मैंने ट्राई कर लिए हैं, और ये 3 प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए। एक मैंने अपनी सिस्टर के लिए ऑर्डर किया है लिप बाम, बाकी 2 मेरे हैं। और ये स्विस ब्यूटी का जो लिनेश का लनाज, किम कार्डेशियन लनाज प्रोनाउंस कर रही थी लिनेश को, मेरे को नहीं पता लनाज ही बोलते होंगे आई गेस, तो उसका ड्यूप है ये। और मैं लिनेश फिर से परचेज नहीं करूँगी बिकॉज लिनेश क्रुएल्टी फ्री नहीं है। तो लेट्स ओपन दस, मैं एक ही पैकेज ओपन करूँगी, इसका एक ही बॉक्स ओपन करूँगी बिकॉज आई वॉन्ट एक अस्थेटिक वीडियो का मैं शूट करना चाहती हूँ इसलिए। तो डस्टी रोज मैंने 2 मंगाया है, एक रुचि का और एक मेरा। तो आई विल बी यूजिंग दिस क्योंकि मेरे को लिपस्टिक लगाना, मेरे को लग नहीं रहा है कि इस लुक में लिपस्टिक अच्छा लगेगा। मैं लगाई थी, मैं मिटा दी। आई एम दैट पर्सन जो लिपस्टिक लगाता है मिटाता है। गलत तरीके से ओपन करती मैं बॉक्स, नो इशूज़ क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए। और ये है कुछ इस तरीके से ये पैकेजिंग दिखता है, और ये सीज पे हार्ट बना है। इतना तो अच्छा नहीं दिख रहा है, ये लाइट्स के साथ अच्छा दिखेगा। लेट्स अप्लाई। आई हैव मिक्स्ड थॉट, लाइक थोड़ा सा मरून टाइप का दिख रहा है ये, कैमरे पे तो उतना नहीं पता चल रहा है, लाइक थोड़ा सा मरून विच आई डोंट लाइक, बट ठीक है। एक और शेड मंगाया है मैंने कैरमल ब्राउन, तो वो तो और डार्क होगा आई गेस। तो मैं जल्दी से परफ्यूम यूज कर लेती हूँ जाने से पहले, और कुछ कुछ यहाँ से मुझे क्लीन करना है। यहाँ डार्क दिख रहा है। आई हैव मिक्स थॉट अबाउट दिस, लेकिन ये ट्राई करते हैं, पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन गाइस। मुझे जाना पड़ेगा अपने रूम, फिर जाके वहाँ से इयर रिंग्स लो, ये मैंने कल ही परचेज किया, तो मैं तो ट्राई कर लेती हूँ। नॉट बैड, अच्छा भी लग। आई विल टेक सेकेंड ओपिनियन, मैं रुचि से पूछ लूँगी इसको पहनूँ कि नहीं। स्टिक टू दिस क्योंकि मुझे उतना भी खराब नहीं लग रहा है, इट्स लुकिंग नाइस मैनेजेबल। परफ्यूम मैं सोच रही परफ्यूम के लिए मैं शनैल का मैडमोजेल यूज करूँ आज, फिर आउटफिट के साथ आ रहा है। बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम्स लो तो यूज करना चाहिए। मैं एक रील देख रही थी, उसमें वो बोल रही थी वो लेडी कि आप कितना सारा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ले लो और ये डर से आप उसको यूज ना करो कि ये खत्म हो जाएगा, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। आई मीन यूज करने के लिए तो लिए हो तो यूज करो। I'm not going to carry any purse, so I will be keeping this in my car. जी मैं याद दिलाना पड़ता है, याद ही नहीं रहता कि मुझे ब्लॉग करना है। मैं ब्लॉग कर रही थी कंटिन्यू, कुछ याद नहीं रहता। I bought this earrings for 80 rupees and these are looking really pretty. बहुत अच्छा लग रहा है, not bad. मुझे ना ऐसा गोल्ड का इयररिंग बहुत पसंद है बिकॉज मेरी मम्मी के पास है ऐसा सुई धागा स्टाइल बोलते हैं इसको, सो इसलिए मैंने ये परचेज किया, मुझे अच्छा लग रहा है।
लिटिल अपडेट. हैंडसम का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन मैं दिव्या दी के घर थी, जब मैं आरती कर रही थी. आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, मतलब मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे कॉल आया शेल्टर से कि हैंडसम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया है. तो वी रश टू द शेल्टर 10 बजे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक केस में एंगेज थे किसी सर्जरी में. तो मैं 10 बजे जब देखने गई थी, हैंडसम का बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन था, मुझे नहीं लग रहा था कि वो सर्वाइव कर पाएगा. और कल का अपडेट मैंने मैसेज के थ्रू लिया, क्योंकि दिन भर बारिश हुआ था और कार भी अवेलेबल नहीं था मेरे घर में, तो मैं नहीं जा पाई. तो अभी आज कौन सा तारीख है, आज 8 तारीख है, कि शेल्टर से ही आ रही हूँ. हैंडसम का कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा बेटर है. जहाँ पर जिस शेल्टर में मैंने हैंडसम को दिया है, वहाँ मैंने उसे वर्चुअली अडॉप्ट किया है. मैं उसे जा के बीच बीच में देखते ही रहती हूँ, और अभी उसका कंडीशन देख के मुझे थोड़ा राहत मिला, क्योंकि जो वहाँ के वॉलेंटियर्स हैं जिनका शेल्टर है, उन पर मुझे ब्लाइंडली ट्रस्ट है. वो बहुत ही अच्छे से रख रहे हैं हैंडसम को, इसलिए मेरे को स्ट्रेस नहीं है उस बात का. अभी का कंडीशन देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. आई एम फीलिंग सो गुड. कल तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, और रात को 10 बजे आने के बाद मैं बता भी नहीं सकती मेरा कितना ज़्यादा हालत ख़राब था. सो आई एम रियली हैप्पी. आई एम जस्ट प्रेइंग कि हैंडसम पूरे तरीके से जल्दी ठीक हो जाए. हैंडसम को कैनाइन डिस्टेंपर है, जिसका क्योर इम्पॉसिबल है बहुत, लेकिन कई केसेस में ठीक भी हो जाता है डॉग. सो आई एम प्रेइंग कि वो जल्दी ठीक हो जाए, सो दैट मैं उसको ले आऊँ. वो 3 महीने से स्ट्रगल कर रहा है. मैं घर में रख सकती थी हैंडसम को, लेकिन कॉन्स्टेंट केयर में रखना पड़ता है पैरालाइज डॉग को, और वो चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, और मैं उसे नहीं रख पाती घर में, क्योंकि कैनाइन डिस्टेंपर फैलता भी है, और बेला और कोयला को भी वो चीज़ हो सकती है. लेकिन शेल्टर में वो लोग बहुत प्रिकॉशन के साथ रखते हैं. यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता मुझे, और मेरी मॉम ही ऑलमोस्ट पूरा काम करती है बेला और कोयला का. मैं चीज़ों में बहुत बिजी रहती हूँ, अपने कंटेंट में, मेकअप में. अगर सीजन आ जाता तो कैसे देखती मैं हैंडसम को. इसलिए मैंने सबसे अच्छा डिसीजन ये लिया कि मैंने उसे वर्चुअल अडॉप्ट करके एनिमल सेवियर में उसे दे दिया. अगर आपको डोनेशन करना है तो मैं एनिमल सेवियर का अकाउंट मेंशन कर दूंगी, सो दैट आप भी डोनेशन दे सकते हैं. वो बहुत ही अच्छा एनिमल शेल्टर है. मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा क्लीन और वेल मेंटेन्ड डॉग्स को प्रॉपर केयर दिया जाता है वहाँ पर. वो चीज़ मैंने विटनेस किया है, मेरी फ्रेंड्स ने विटनेस, मतलब मैंने सबको, ऑलमोस्ट सबको लेके गया है मैंने वहाँ पर. सबको बहुत अच्छा लगा वो शेल्टर, और मैं बहुत ज़्यादा ही सेटिस्फाइड हूँ उनके काम से. So I'm gonna end my vlog here. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye.